इस समय आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और प्लेऑफ की दौड़ से वो अभी बाहर नहीं हुई है। चलिए जान लेते वो कैसे प्लेऑफ के अंदर रह सकती है। आईपीएल के 17वें सीजन में टोटल 74 मैच खेले जाएंगे। 16 अंक वाली राजस्थान के साथ जो है 4 अंक वाली आरसीबी भी प्लेऑफ की दावेदार इस समय बनी हुई है। अगर आरसीबी कुल 14 में से बचे अभी 5 मैच जीत लेती है 28 अप्रैल को, मैं ये बता रहा हूं आपको, और अन्य मैचों के मुकाबले उसके फेवर में रहते हैं तो टीम जो है 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो वह 10 टीमों वाली आईपीएल में जो है सिर्फ 14 अंक के साथ प्लेऑफ खेलने वाली पहली टीम बन जाएगी आईपीएल के इतिहास में। इस समय आरसीबी ने टोटल 9 मैच जीते हैं और उसमें केवल उसको 2 में जीत हासिल हुई है, और वो भी जो है 1 महीने बाद जो है अभी रिसेंटली उन्होंने 1 मैच जीता है। एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने एक अंदाजा लगाया कि आरसीबी तीसरे स्थान पर भी पहुंच सकती है। वो कैसे पहुंच सकती है, चलिए जान लेते हैं। सनराइजर हैदराबाद और केकेआर की हार भी आरसीबी को जो है फायदा कर सकती है। अगर ये टीमें बचे मैचों में जो है सिर्फ 1-1 जीते और लखनऊ बचे सभी 5 मैच जीत ले तो वह 20 अंकों पर होगी और हैदराबाद और कोलकाता जो है 12-12 अंक उनके पास होंगे। इस तरह से जो है आरसीबी के पास 14 अंक होंगे और वो टॉप 3 में फिनिश कर सकती है। मगर ये सभी चीजें असंभव दिख रही है क्योंकि राजस्थान के पास इस समय संजू सैमसन है, कोलकाता नाइट राइडर के पास इस समय सुनील नारायण है, सनराइजर हैदराबाद के पास जो है वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर है।